हेलो, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके घर में खराब चीजें या तो यूं ही पड़ी रहती हैं या फिर हम फेंक देते हैं? डोंट वरी, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं। पर हम क्रिएटिव लोग ऐसी चीजों को कुछ ना कुछ बना करके नहीं, एकदम नए लुक में तैयार कर देते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक बेकार चीज को नया रूप देने जा रहे हैं। अगर आपके घर में भी ये चीज है तो जल्दी से लेके आ जाइए। तो चलिए बनाते हैं कुछ नया। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबके घर में ये बोतल जरूर होती है और खराब भी हो जाती है। जैसे ऊपर की कैप की स्प्रिंग टूट जाती है और मेरी बोतल तो देखो अंदर से जंग ही आ गई है। तो ना तो ये ठंडे पानी की रही और ना ही ये गर्म पानी की रही है। स्टील की बोतल है, क्या करेंगे, हटाओ कबाड़े वाले को दे देते हैं। सोचा तो मैंने भी यही था पर ऐसा किया नहीं। ये केक बॉक्स है और इसके दोनों साइड मैंने हाफ सर्कल निशान लगाकर कट कर रही हूँ। और अब बनाएंगे हम अपनी बोतल आर्ट। बोतल के ऊपर व्हाइट एक्रिलिक कलर के दो कोट करने के बाद मैंने छोटे छोटे झरोके बनाए। झरोका आर्ट मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है ये शायद सभी को पसंद होती है। और बोतल को इस तरह रखकर मैंने किया है कॉर्न वर्क। इस तरह रखकर मेरे लिए कॉर्न वर्क करना आसान हो गया। कॉर्न मार्बल पाउडर या सिरेमिक पाउडर, दोनों में से हम किसी की भी यूज कर सकते हैं। कॉर्न कैसे बनाना है इसका वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। कॉर्न वर्क ड्राई हो जाने के बाद मैंने बोतल में सोचा था कि थोड़ा सा 3D लुक देती हूँ। वैसे ऐसे भी हम कलर कर सकते हैं सिंपल, अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो ज्यादा तो, पर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो और अच्छी लगेगी। तो यहाँ 3D लुक दिखाने के लिए मैंने लिक्विड कॉर्न से फिलिंग वर्क किया। तो परेशानी तो बहुत हुई क्योंकि एक फिलिंग वर्क ड्राई हो जाने के बाद ही मैं बोतल को टर्न कर पा रही थी। अच्छा करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है और सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस। वैसे मुझे लगता है कि का दूसरा नाम पेशेंस ही होना चाहिए। दो बार फिलिंग वर्क करने के बाद अब इसका लुक एकदम 3D दिख रहा है। जरूरी नहीं है मैंने दो बार किया है तो आप भी दो बार करें। आप एक बार भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं और तीन बार भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। वैसे ये बोतल के अंदर जो मैंने झरोके बनाए हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो हवा महल के पिलर है ना, बिल्कुल उस तरीके का डिजाइन दिख रहा है। तो फिलिंग वर्क कम्प्लीट हो जाने के बाद अब किया है कलर, और सारे कलर मैंने एक्रिलिक ही किए हैं। कलरफुल आर्ट बहुत अच्छी लगती है। मैंने अभी बड़ी वाली आर्ट व्हाइट बनाई थी तो बहुत सारे कमेंट थे कि आप इसमें कलर करें, लेकिन अब वो मिरर लग गए हैं तो कलर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसे तो मैं अब व्हाइट ही रखूंगी। इसीलिए आज मैंने यहाँ कलर दिए हैं। मोल्डेड क्ले को मिक्स करने के बाद मैंने उसे बेल लिया और मेरे पास में ये ब्लॉक रखे हैं और उनसे मैं इनके ऊपर डिजाइन बना रही हूँ। एक ही चीज को कितनी तरह से यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये ब्लॉक सिर्फ छपाई के काम में आए। तो यहाँ मैंने एक डिजाइन बनाने के लिए यूज किया और बहुत सुंदर डिजाइन बनता है इनसे। और ये देखो कितना सुंदर डिजाइन बन गया। जो बोतल के ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ मैंने इसको लगाया है और थोड़ा सा नीचे की साइड भी, जो नीचे का जो हिस्सा है ना वहाँ भी लगाया है। तो आज की बोतल बनाने में आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, यानी कि जो मैं यहाँ फिलिंग वर्क है, झरोका है या किले है, इसमें से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके ऊपर मैंने कर दिया है गोल्डन ब्रॉन्ज कलर, एक्रिलिक गोल्डन ब्रॉन्ज जो आता है वही है। और थोड़ा सा मैंने कॉर्न में भी फिल कर लिया और झरोके के ऊपर इससे लाइनिंग वर्क कर दिया है। और पता है जब मैं बोतल को बना रही थी तो बस डिजाइन दिमाग में आ रहा था कि इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है, और ये तो नहीं मालूम होता ना कि बनने के बाद में कोई चीज कैसी लगेगी। हम इमेजिनेशन से बनाते तो जाते हैं पर लेकिन जो फाइनल लुक होता है ना वो बिल्कुल अलग निकल के आता है। तो जब बोतल बनती जा रही थी और जब इसके बाद में जब मैंने गोल्डन ब्रॉन्ज कर दिया और सारा करने के बाद में इसका लुक है ना एकदम एंटिक दिख रहा है और ये बोतल बिल्कुल एक एंटिक पीस बनकर तैयार होगी। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये बोतल एकदम एंटिक पीस बनकर तैयार होगी। और मैं हमेशा एक गलती कर जाती हूँ और वो है वार्निश की। मिरर लगाने के बाद ही मुझे याद आता है कि बॉर्निश करनी है, पर आप मत करिएगा, मिरर लगाने से पहले ही बॉर्निश कर लीजिए। और ये देखिए अमेजिंग, बहुत सुंदर। तो चलिए फाइनल लुक देख लेते हैं कैसा लग रहा है और इसके अंदर क्या लगाना है ये आप ही डिसाइड करिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ।
तो कैसी लगी हमारी ये हवा महल बोतल? जरूर आपके पास में भी होगी और खराब भी हुई होगी। तो आ गया ना एक आइडिया बहुत सुंदर सा बोतल को डेकोरेट करने का। 90% लोग इस तरह की स्टील की बोतल को हटा ही देते। मैं भी हटा रही थी, लेकिन एक आइडिया आया और आज हमने एक इतने सुंदर लुक में तैयार कर। मुझे झरोका आर्ट बहुत पसंद है। मैं हमेशा बहुत सारी चीजों में झरोके बनाती रहती हूँ और झरोका आर्ट अलग से भी मैंने बहुत सारी बनाई है। आप अगर इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ऑल पर बटन दबाइए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई आर्ट के साथ। इसी तरह की नई नई आर्ट देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। बाय।